दोस्तों भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ, जिसके नाम से दुश्मनों के छक्के छूट जाते हैं, इस खुफिया एजेंसी के एजेंट जब भी अपने मिशन को अंजाम देने के लिए उतरते हैं तो दुश्मन को किसी भी कोने से ढूंढकर निकाल लेते हैं और उसे अपने अंजाम तक पहुंचाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ दुनिया की एक और खतरनाक जासूसी एजेंसी है, वो है इसराइल की मोसाद, जो अपने दुश्मनों को कभी बख्शती नहीं है, उन्हें ढूंढकर मौत के घाट उतार देती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर दोनों में कौन सी खुफिया एजेंसी है जो ज्यादा खतरनाक है, भारत की रॉ या इसराइल की मोसाद? ये जानेंगे हम इस वीडियो में। इसके साथ ही जानेंगे कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के वो कारनामे जिन्हें जासूसी के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। इन कारनामों को जानने के बाद आप खुद रॉ पर गर्व करेंगे और ये कहने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि रॉ से ज्यादा खतरनाक और बहादुर कोई नहीं हो सकता है। इसके साथ रॉ का जन्म कैसे हुआ और कैसे ये अपने मिशन को अंजाम देती है और कैसे रॉ को राजनीतिक तूफानों का सामना करना पड़ा, इन सभी सवालों को जानने के लिए आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों भारत की रॉ की कहानी शुरू होती है साल 1962 से। उससे पहले भारत के पास कोई इंटेलिजेंस एजेंसी मौजूद नहीं थी, कोई खुफिया तंत्र नहीं था। तब भारत को आजाद हुए 15 साल ही हुए थे। यहाँ की सरकार देश की समस्याओं को दूर करने में लगी हुई थी, क्योंकि अंग्रेज भारत से सब कुछ लूट कर लेकर चले गए थे। ऐसे में यहाँ खाने, रोजगार, शिक्षा जैसी समस्याओं ने चारों तरफ से देश को घेरा हुआ था। यहाँ की सरकार इन्हीं समस्याओं में उलझी हुई थी। वहीं सीमा की बात करें तो हमारे सैनिक चीन और पाकिस्तान से देश को बचाने के लिए तैनात रहते थे। लेकिन उस वक्त ऐसी कोई खुफिया एजेंसी नहीं थी जो देश के बाहर जाकर उसके लिए काम करे, उसे सुरक्षित रख सके। यह सिलसिला लगातार चल रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा होने जा रहा था जिसकी किसी को बिल्कुल भी भनक नहीं थी। चीन भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा था। उसने अपनी घटिया हरकत दिखाते हुए बिना किसी सिग्नल के भारत पर हमला बोल दिया। उसने ना तो किसी युद्ध के नियमों को माना और ना ही किसी बंदिशों को। वो बॉर्डर पर खड़े भारतीय सैनिकों से ज्यादा संख्या के सैनिकों के साथ सीमा पर आ धमका और अचानक से हमला बोल दिया। भारत के कई सैनिक शहीद हो गए। इस हमले से पूरा देश हिल गया, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि चीन ऐसा कुछ कर सकता है। वही देश को इस हमले की भनक नहीं थी। दोस्तों उस वक्त ना तो आज के जैसे हालात थे और ना ही देश के नेताओं को इतनी समझ थी कि वो कोई ऐसी खुफिया एजेंसी बनाएं जो ऐसे होने वाली साजिशों के बारे में पता लगा सके। इस हमले का ये नतीजा निकला कि वो चीन के आगे हार गई, जिसका भारतीय सेना पर बहुत बड़ा असर पड़ा। वही यहाँ की सरकार के लिए ये बात बहुत शर्मनाक थी, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन सेना ने खुद को फिर से ऐसे हमले के लिए तैयार कर लिया। और जब 1965 में पाकिस्तान ने भारतीय सेना पर हमला किया तो उन्हें मुंहतोड़ जवाब मिला। उसके बाद भारतीय सेना सरकार से देश के लिए इंटेलिजेंस एजेंसी की जरूरत के बारे में रूबरू करवाती है। उन्होंने कहा कि सरकार की लापरवाही की वजह से सीमा पर सैनिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। उन्हें खुफिया एजेंसी की जरूरत है जो देश के बाहर के दुश्मनों की हर हरकत पर नजर रख सके। फिर साल 1968 को इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। अपनी कुर्सी संभालते ही इंदिरा गांधी ने देश के डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए। और इसी दौरान भारत के स्पाई मास्टर सामने आए, का नाम था आर.एन. काओ। कहा जाता है कि अगर आर.एन. काओ और इंदिरा गांधी नहीं मिलते तो शायद आज रॉ की शुरुआत भी नहीं होती। इन्होंने मिलकर एक एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी की शुरुआत की, जिसका नाम रखा आर.ई.डब्ल्यू. यानी रॉ। इसके चीफ बने आर.एन. काओ। तब इसमें 250 लोगों को शामिल किया गया और 20 लाख रुपए की फंडिंग से इसे शुरू किया गया। लेकिन उस वक्त दुनिया की नजरों में रॉ एक कमजोर इंटेलिजेंस एजेंसी थी। लेकिन ये सभी की गलत फहमी थी, क्योंकि साल 1971 में जब पाकिस्तान से अलग करके भारत ने नए देश बांग्लादेश का निर्माण किया तो उसमें रॉ का ही हाथ था। तब इंडो पाकिस्तान युद्ध में भारत ने जीत को हासिल करके ये बता दिया कि भारत कमजोर नहीं है। उसने भी बता दिया कि भारत की सेना तो ताकतवर है ही, साथ ही उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी भी शक्तिशाली है। लेकिन रॉ के भविष्य में कुछ और ही लिखा था। सत्ता पलट को देख देश में आपातकाल लगा, जिसका सीधा असर रॉ पर पड़ा और ये कमजोर पड़ गई। इतना ही नहीं, आपातकाल के दौरान फोन टैपिंग और जासूसी पर गैर कानूनी का भी इस पर इल्जाम लगा दिया गया।
इसके बाद सरकार आई मोरारजी देसाई की। उन्होंने रॉ को अपनी सफाई देने का मौका दिया, लेकिन आर एन काओ ने अपना इस्तीफा दे दिया और उनके बाद आए के शंकरन नायर। उनके आते ही मोरारजी देसाई ने सारी विदेशी जासूसियों को बंद करने का आदेश दे दिया, लेकिन शंकरन नायर ने ऐसा करने से मना कर दिया और अपना इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, उस वक्त पाकिस्तान का शख्स था अब्दुल कादिर खान, वो नीदरलैंड के न्यूक्लियर प्लांट में काम कर रहा था। उसने पाकिस्तान को न्यूक्लियर की ताकत देने के लिए वहां से सारे जरूरी कागजात चुरा लिए और पाकिस्तान में न्यूक्लियर वेपन पर काम करना शुरू कर दिया। इस बात की जब रॉ को जानकारी लगी तो वो चुपके से पाकिस्तान पर नजर रखने लगा। वहीं पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन से लैस होने पर एक और देश को भी नुकसान था, वो था इसराइल। उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद भी पाकिस्तान के पीछे लगी हुई थी। वहीं रॉ का एक एजेंट पाकिस्तान के इस न्यूक्लियर प्लान का क्लू पता लगाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर वहां पहुंच गया और उस पर नजर रखने लगा। दोस्तों, इस एजेंट का नाम था अजीत डोभाल, जो आज देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हुए हैं। वो पहले रॉ के एजेंट थे और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लान की पूरी जानकारी हासिल करने के लिए यहाँ सालों तक रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने एक पाकिस्तानी वैज्ञानिक को इसका ब्लूप्रिंट देने तक के लिए राजी कर लिया था। लेकिन रॉ के लिए तब मुश्किल खड़ी हो गई जब तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को इंटेलिजेंस एजेंसी की कोई खास जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने इस मिशन के लिए पैसे देने से मना कर दिया, जिससे रॉ की पूरी मेहनत बेकार हो रही थी। इतना ही नहीं, मोरारजी देसाई ने तो यहाँ तक कह दिया कि रॉ को अपनी ऐसी गतिविधियों पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि ऐसी हरकतों से पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव पैदा होता है। दोस्तों, मोरारजी देसाई का ये सबसे गलत फैसला माना जाता है। मोरारजी देसाई यही नहीं रुके, उन्होंने पाकिस्तान के पीएम को फोन तक लगा दिया और रॉ की सारी गतिविधि की जानकारी दे दी। रॉ को अपना मिशन बीच में ही रोकना पड़ा। दोस्तों, उस वक्त वहां के प्रधानमंत्री मोहम्मद जाहुल्ला थे। मोरारजी देसाई की इस गलती का ये परिणाम रहा कि पाकिस्तान में मौजूद हर भारतीय एजेंट को दर्दनाक मौत दे दी गई, जो रॉ के इतिहास में सबसे बड़ी त्रासदी थी। सिर्फ अजीत डोभाल ही जिंदा बचे थे। ये भारत के इतिहास में किसी राजनेता के द्वारा की गई सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। वहीं मोरारजी देसाई की इस गलती पर पाकिस्तान ने अपने सर्वोच्च पदक से सम्मानित किया था। इसके बाद साल 1981 में इंदिरा गांधी फिर से सत्ता में आई। उन्होंने आते ही फिर से देश की सुरक्षा के लिए रॉ को जिंदा किया और आगे के प्लान पर काम करने के लिए कहा। वहीं दूसरी तरफ इसराइल ने भी इराक के परमाणु रिएक्टर को खत्म कर दिया था। इस पर इंदिरा गांधी और रॉ ने ध्यान दिया और इसी के तहत काम करना शुरू किया और परमाणु परीक्षण की प्लानिंग की। लेकिन यहाँ अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी आड़े आ गई और भारत पर इसे रोकने का दबाव बनाया। वहीं पाकिस्तान न्यूक्लियर परीक्षण में सफल हो गया और ये सब मोरारजी देसाई की गलती की वजह से हुआ था। अब भारत की सत्ता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद रॉ में ताकत आ गई। उसने ऐसे ऐसे कारनामे किए कि इसराइल की मोसाद भी हैरान रह गई है, जैसे कि पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक, यहाँ पाकिस्तान में घुसकर भारत के सैनिकों ने उन्हें मौत की नींद सुला दिया और बिना किसी हानि के वापस देश आ गए, जिससे मोसाद भी सलाम करती है। दोस्तों, आज मोसाद दुनिया की सबसे काबिल एजेंसी मानी जाती है। वो अपने दुश्मन को बख्शती नहीं है। उसकी इस ताकत के पीछे का कारण ये भी है कि यहाँ की सरकार अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी का पूरा ध्यान रखती है, उनकी जरूरतों को पूरा करती है। लेकिन भारत में मोरारजी देसाई जैसे राजनेता की वजह से रॉ ना सिर्फ कमजोर पड़ गई, वहीं उसे अपने एजेंट्स को भी गंवाना पड़ा। ऐसी पॉलिसी की वजह से रॉ पिछड़ गई। अगर मोरारजी देसाई ऐसा नहीं करते तो आज पाकिस्तान अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाता, साथ ही रॉ की ताकत का खौफ भी रहता। लेकिन जब मोदी सरकार सत्ता में आई है, रॉ में फिर से जान आ गई है और वो अपनी खतरनाक से खतरनाक मिशन को अंजाम दे रही है। भारत सरकार का पूरा सपोर्ट मिलने से रॉ अपने मिशन को पूरा कर पा रही है और अगर ऐसे ही जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मोसाद को पीछे छोड़ देगी और रॉ दुनिया की सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी में टॉप पर होगी। दोस्तों, रॉ के सारे कारनामों पर वैसे तो पूरा इंडिया सलाम करता है और यही उम्मीद की जाती है कि रॉ और भी आगे बढ़े और अपने दुश्मनों को ढेर कर दे। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।